देश में 7 दशक बाद आज फिर से चीतायुग की शुरुआत हो गई है। नामीबिया से विशेष विमान से आए 8 चीतों को स्वास्थ्य परीक्षण के बाद चिनूक हेलीकॉप्टर से कूनो अभयारण्य पहुंचाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कूनो पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में वे अभयारण्य में बनाए गए क्वारंटीन बाड़े में चीतों को छोड़ेंगे। चीतों के 3 बॉक्स को बाड़े के पास रखा गया है। 75 साल पहले वर्ष 1947 में देश में आखिरी बार चीता देखा गया था। छत्तीसगढ़ में कोरिया के महाराजा ने 3 चीता शावकों का एक साथ शिकार किया था। वर्ष 1942 में भारत सरकार ने चीतों को विलुप्त घोषित कर दिया था। इसके बाद आज देश में फिर से चीतों की वापसी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन यानी 17 सितम्बर 2022 को देश में 74 साल के बाद चीता की वापसी हुई है। धरती पर सबसे तेज दौड़ने वाला ये प्राणी भारत में 1947 में विलुप्त हो गया था। आपको बता दें कि देश में जिस दिन ये ऐतिहासिक घटना होने जा रही है उसी दिन पीएम मोदी 72 साल के हो रहे हैं। आइए चीता की भारत वापसी पर सभी महत्वपूर्ण बातें जानें। कितने चीते लाए गए भारत? 8 चीते भारत लाए गए हैं। इनमें 5 मादा है और 3 नर चीते हैं। चीते शुरुआत में एक स्पेशल बाड़े में रखे जाएंगे। कुछ समय के लिए वे इन बाड़ों में क्वारंटीन होंगे। उसके बाद पीएम मोदी बाड़े का लीवर खींचकर इस खूबसूरत प्राणी को जंगल में वास करने के लिए रिहा करेंगे। किस देश से लाए गए चीते? ये 8 चीते अफ्रीका के दक्षिण हिस्से में बसे देश नामीबिया से लाए गए। भारत ने पहले ईरान से चीते मांगने की योजना बनाई थी क्योंकि वहां एशियाटिक चीते पाए जाते हैं जो भारत के वातावरण में आसानी से ढल सकते हैं। लेकिन ईरान के मना करने के बाद भारत को नामीबिया का रुख करना पड़ा।